A to Z लिखना और बोलना सीखा जाना। आज हम क्या सीखेंगे मिसी? लेटर्स। क्या सीखेंगे मिसी? लेटर्स। तो हमें पता नहीं कि मिसिंग लेटर्स कैसे क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। यहाँ पे A for apple दे रखा है, उसके पास में डैश दे रखा है। हाँ, यहाँ पे E for elephant दे रखा है और यहाँ पे डैश दे रखा है। अब A for apple के बाद में क्या आता है बच्चों? मैंने सिखाया था ना A to Z, तो A for apple के बाद में क्या आता है बच्चों? हाँ, B for ball कैसी होती है? राउंड होती है ना, जिससे आप खेलते हो, है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या दे रखा है? E for elephant। elephant तो आपने देखा होगा ना, कितना बड़ा होता है। E for elephant के बाद में क्या आता है सोचो बच्चों, क्या आता है? हाँ, F for fish। fish कैसी होती है? जो पानी में तैरती है। क्या होता है fish? जो पानी में तैरती है। समझ आया आपको? ओके। अब यहाँ पे कुछ लेटर्स दे रखे हैं और कुछ को फिलअप करना है, तो चलो हम देखते हैं कि कैसे फिलअप करते हैं ये। यहाँ पे क्या दे रखा है? A for apple। तो यहाँ पे क्या आएगा A for apple के बाद में क्या आता है बच्चों? हाँ, B for ball। क्या आता है B for ball? कैसी होती है? इससे हम खेलते हैं ना। नेक्स्ट क्या दे रखा है? C for cat। C for cat के बाद में क्या आता है? हाँ, D for dog। नेक्स्ट क्या दे रखा है? यहाँ पे क्या दे रखा है? E for elephant। एलिफेंट देखा है आपने, कितना बड़ा होता है ना बड़ा। E for elephant के बाद में क्या आता है बच्चों? हाँ, F for fish। फिश देखिए जो पानी में तैरती है ना। यहाँ पे दे रखा है G for girl। G for girl के बाद में क्या आता है? हाँ, H for hand। नेक्स्ट दे रखा है हमें I for ice cream। आइसक्रीम तो हमने खा रखी है ना। कैसी होती है? यम्मी होती है। तो I for ice cream के बाद में क्या आएगा? हाँ, J for kite। हम उड़ाते होंगे ना, kite को देखा है आपने कैसी होती है, जो ऊपर उड़ती है ना। K for kite के बाद में क्या होता है? L for lion। lion जंगल का राजा होता है। आपको पता है जंगल का राजा कौन होता है? lion। यहाँ पे क्या दे रखा है? M for monkey। M for monkey के बाद में क्या आता है? हाँ, N for nest। nest हमें उसके बाद में दे रखा है O for orange। O for orange के बाद में क्या आता है बच्चों? हाँ, P for peacock। पीकॉक तो आपने देखा ही होगा कैसा होता है ना। इसके बाद में दे रखा है Q for queen। Q for queen के बाद में क्या आता है? R for rabbit। R for rabbit आ गया। नेक्स्ट दे रखा है S for sun। S for sun के बाद में क्या आएगा? हाँ, T for tiger। T for tiger के बाद में नेक्स्ट हमें दे रखा है U for umbrella। अम्ब्रेला तो आपको पता होगा जो बारिश में लेते हैं ना, जिससे हम भीगते नहीं है। अब U for umbrella के बाद में क्या आएगा सोचो, क्या आएगा? हाँ, V for van। क्या आएगा? V for van। नेक्स्ट हमें दे रखा है W for watch। आपके घर पे वॉच तो होगी ना, जो पापा भी पहनते हैं, घर पे भी लगती है वॉच, है ना। देखा होगा ना आपने वॉच कैसी होती है। W for watch के बाद में क्या आता है बच्चों? हाँ, X for Xmas। नेक्स्ट हमें दे रखा है Y for yak। सोचे बच्चों Y for yak के बाद में क्या आता है बच्चों? हाँ, Z for zebra। वेरी गुड। अब आपको पता चला ना इसको कैसे फिलअप करते हैं। अब इसको अच्छी राइटिंग में नोटबुक में लिखना है। ओके। और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
If you like the video, please subscribe our channel and press the bell icon for another updates. Thank you.